हम बताते हैं आपको कि इंडिया मैच हो रहा पाकिस्तान से। वो कितने लोग थे? दो थे जनाब। हाँ, वो दो कितने थे? लोग थे बस दो ही थे जनाब, एक बाबर और एक रिजवान। जिन्होंने मार 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 और ये मिनाइल इंडिया के अंदर घुसने लगी और ये घुस गई इंडिया में। हां हां, सब मिनाइल इस वक्त इंडिया में घुस गई है। तो मैं आपको, हम लोग अब मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। ये इंडिया जब के मैच आ रहे पाकिस्तान के, जब का तब का, हां तब का ना वो बहुत अपसेट है। ऐसे पाकिस्तान की नंबर वन आर्मी, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो नंबर वन आर्मी है। इंडियन वाले कहते हैं कि हमारी आर्मी नंबर वन है। आप गूगल पे जाके आर्मी रैंक कर ले, पाकिस्तान की आर्मी नंबर वन पे आएगी। तो एक और बात है फ्रेंड्स कि इंडिया के सूबे इतने ज्यादा है, इनकी आर्मी नहीं इतनी है, जिनके आर्मी भी ज्यादा है, इनकी आर्मी भी ज्यादा है, बट पाकिस्तान की ज्यादा पावरफुल है। पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जोश जज्बा शहीद होने का इनके अंदर, आप चाइना की वीडियो देख लो, चाइना इनके साथ किया था मुर्गा बना के माफी हो रही है इनके, और ये पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। ये मैं बताना चाहती हूँ, ये लोग अपने आप को समझ गया रखा है इन्होंने। एक मैच के आगे रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। पहले तो बड़ा कहते पाकिस्तान का बाबर आपको कल का बच्चा है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये सारे ही बहुत थर्ड क्लास है बच्चे, तो ये कुछ नहीं कर सकते। बट जब मैच हराया तो मजा ही आ गया। तो फ्रेंड्स आजकल आपको पता है यूट्यूब पे पाकिस्तान के खिलाफ कितनी ज्यादा, मैंने एक वीडियो देखी है वो वाली सियाचिन में था ना, वो सियाचिन में इतनी सर्दियों वो लोग डर रहे हैं खाने का, खाना जमा हुआ है। हमें वीडियो दिखा रहे हैं इंडिया वालों को, क्या देखो इतने जांबाज हैं, पाकिस्तानी जो जांबाज हैं जो उससे भी अच्छे रहते हैं, वो उससे भी ज्यादा सर्दी में रहते हैं, इंडिया ने गद्दारी करके हमारे सियाचिन पे कब्जा कराया था, उससे भी ज्यादा ये लोग रहते हैं पाकिस्तानी सर्दी में। बट वो लोग अपना सारा मैनेज करते हैं। ये इंडियंस क्या है, एक बोतल काट के दिखा देते हैं, सारा जमती है एक अंडे का, जैसे पाकिस्तानियों के पास नहीं जम जाता है। बट पाकिस्तान इससे ज्यादा पावरफुल है, इतनी बड़ी कंट्री होने की वजह से भी इंडिया इतना पावरफुल नहीं बन सकता। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको अच्छी लगे मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया मुर्दाबाद।